राम राम जी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी क्लास 10वीं का परिणाम जारी कर दिया गया है। बहुत सारे कमेंट आ रहे मेरे पास कल से ही, सर हमारी स्कॉलरशिप के फार्म कब भरे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 70% से पास व 80% से पास अगर आप हैं तो आप सभी की बल्ले बल्ले। स्कॉलरशिप फॉर्म कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार आपको भरने होते हैं, पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। वीडियो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो की लिंक सभी दोस्तों के साथ भेजिएगा। डाउट नेट पे होगा अब आपके सभी डाउट, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करे और सबमिट करे, 3 सेकेंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12वीं से लेकर के नीट IIT JEE Main एडवांस सभी की क्लासेस आपको इसमें मिलने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी को बता देते हैं 10वीं क्लास में जिस भी भाइयों के 70% से अधिक अंक व 80% से अधिक अंक आए हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है आप सभी को किस प्रकार से। तो सबसे पहला एक फॉर्म आता है नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म, ये वही कैंडिडेट भर सकते हैं जिसके भी 80% से अधिक अंक आए हुए हैं। नेशनल स्कॉलरशिप उन्हीं को दी जाती है जिसके 80% से अधिक अंक आए हैं, और उनकी लिस्ट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर डाली जाती है, और इसके आपको 10,000 से 15,000 रुपये दिए जाते हैं नेशनल स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, तो जल्दी इसकी लिस्ट डाली जाएगी हरियाणा बोर्ड की साइट पर, आपका अगर उसमें नाम होगा तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद दूसरा फॉर्म है डॉक्टर अंबेडकर मेघावी छात्रवृत्ति योजना। ये जो योजना है ये अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए, यानी कि SC ST के जो छात्र होते हैं वो ये फार्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें क्राइटेरिया थोड़ा सा कम है। अगर आपके 70% अंक आए हुए हैं, ग्रामीण से संबंध रखते हैं, तो आप इस फार्म को भर सकेंगे, 8,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। अगर आप शहरी से हैं, 75% आपके अंक आए हुए हैं, तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। जल्द ही इसका लिंक भी एक्टिवेट होगा, जैसे होगा मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा। वीडियो सभी के साथ शेयर करें, तब तक के लिए लाइक करें, धन्यवाद।